Today we will study Latimer and Frost diagram related with the oxidation state of different metals. या हम ये भी कह सकते हैं कि Latimer and Frost diagram to explain the different oxidation state of different element. Actually, Latimer diagram जो है this is a old one technique or method to represent the electrochemical equilibria for substances that have multiple oxidation state. यानी कि हमने ये देखना है कि ऐसी substances जिनकी जो oxidation state multiple हैं उनके दरमियान electrochemical equilibrium कैसे establish होगा. एक ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी हो रही है ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेंशियल डिवेलप हो रही है. पोटेंशियल वोल्टेज का जो है वहाँ रोल है. तो ड्यूरिंग दिस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज होगी, या हम ये कह सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का पोटेंशियल वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है. So, electrochemical potential values are written for successive redox reaction under standard condition either in strong acid or in a strong base condition. यानी कि जब भी हम electrochemical potential की values को study करें और उसको जब relation देखना है with oxidation state, तो हमें condition जो पुट करनी है वो स्ट्रांग एसिड कंडीशन हो या फिर स्ट्रांग बेसिक कंडीशन हो. यहाँ जो है Latimer डायग्राम में मैगनीज को शो किया गया है. मैगनीज इज एक्सप्लेन्ड विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या आप ये कहें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन वन मोलर एसिड. हमारे पास सोल्यूशन है वन मोलर सोल्यूशन, उसके अंदर हमने देखना है मैगनीज अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करता है, यानी कि पॉजिटिव 7 से 0 की तरफ आ रहा है. तो ये जो जब पोटेंशियल चेंज होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो पोटेंशियल कैसे चेंज होगी, तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. लेट सपोज अगर हम डायरेक्टली हमारी एक स्पीशीज है मैकेनीज है जो पॉजिटिव 7 से पॉजिटिव 3 की तरफ जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनको इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल स्टडी करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे. यानी अंडरस्टूड बात है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे. Mn पॉजिटिव 7 में जब इलेक्ट्रॉन 4 ऐड होंगे तो ये Mn पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो Mn पॉजिटिव 7 चेंज हो रहा है Mn पॉजिटिव 3 में, इसमें पोटेंशियल कितना डिवेलप हुआ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया गया, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में 4 इलेक्ट्रॉन का रोल है. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि व्हेन वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन बाय फर्स्ट एडिंग दीज वैल्यू देन डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अब बात ये आ रही है इसमें कि हम अगर हम चाहें नोट करना चाहें कि एक जो मैगनीज है जब एक अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो इसका इसकी पोटेंशियल कितनी डिवेलप होगी, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है. तो कैलकुलेट ये करना है कि लेट सपोज हमारे पास मैगनीज है, मैगनीज पॉजिटिव 7 से पॉजिटिव 2 में जा रहा है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Mn पॉजिटिव 7, यानी 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ. तो MnO4 नेगेटिव जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा और 5 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये चेंज हो जाएगा Mn पॉजिटिव 2 में. तो अब इसकी इसके दौरान कितना रिडक्शन पोटेंशियल डिवेलप हुआ, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा
कि हर स्टेप को देखना पड़ेगा, यानी कि एम एन पॉजिटिव 7 से एम एन पॉजिटिव 6 एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इसके दौरान पोटेंशियल डिवेल्प कितना चेंज हुआ, वो 0.564, उसको एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव 6 से जाएं अब पॉजिटिव 5 की तरफ, वहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन है और पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो 0.274 का आ रहा है। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव 6 से पॉजिटिव 5 की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क आ रहा है 4.27, उसको 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से फिर पोटेंशियल डिफरेंस का जो आ रहा है वो 0.95, उसको 1 से मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह फिर नेक्स्ट जब हम एम एन पॉजिटिव 2 की तरफ आएंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस है 1.51, उसको 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब वोल्टेज को सम अप करेंगे और टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड कर देंगे, देन वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ई इज इक्वल टू 1.51 वोल्ट। यानी कि जब मैगनीज एम एन पॉजिटिव 7 से एम एन पॉजिटिव 2 में चेंज होगा तो उस वक्त जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवेल्प होगा वो है 1.51 वोल्ट। और इसी को इक्वेशन को अबव डायग्राम अगर देखें, लैटिमर डायग्राम, ओवरऑल लैटिमर डायग्राम एक्चुअली ये एक इक्वेशन की फॉर्म में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को शो किया है, स्टेप वाइज शोज किया है, यानी कि MnO4 नेगेटिव 1, इसमें मैगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है पॉजिटिव 7, ये चेंज हो रहा है MnO4 नेगेटिव 2 में, पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ मैगनीज की। फिर नेक्स्ट मैगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव 5, फिर पॉजिटिव 4, फिर पॉजिटिव 3, फिर पॉजिटिव 2, फिर 0 में जा रहा है। अब इन दौरान जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है, पोटेंशियल भी चेंज आ रहा है, पोटेंशियल चेंज आ रहा है। तो ये जो ओवरऑल इक्वेशन हमने मैगनीज को मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ शो किया है विद, और उसको रिलेट किया है हमने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, दिस इज अ लैटिमर डायग्राम। तो ये थी लैटिमर डायग्राम। और नेक्स्ट जो है वो है फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट जो डायग्राम है उसमें भी हमने यही देखना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल है, ट्रांजिशन जो मेटल हम स्टडी कर रहे हैं, मैगनीज स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें मैगनीज की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे सामने, पॉजिटिव 7, पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव है 1 है या 0 है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कौन सी है, तो फिर इसको फ्रॉस्ट डायग्राम भी इसको एक्सप्लेन करती है। और फ्रॉस्ट जो डायग्राम है वो एक ग्राफ है, वो ग्राफ है किसके दरमियान, वो ग्राफ है जी डेल्टा जी नॉट ओवर एफ, चेंज गिब्स फ्री एनर्जी ओवर फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू एन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें हमने नोट किया। तो और इसको हमने देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, एक्स एक्सिस हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ले ली है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने ले लिया वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखें हमें इस ग्राफ में दो लाइनें मिलेंगी, एक सॉलिड लाइन है जो जीरो से स्टार्ट हो रही है, फिर पॉजिटिव 2, फिर 3 मैगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर पॉजिटिव 4 है, फिर नेक्स्ट जो है पॉजिटिव 6 है, फिर पॉजिटिव 7 है, फिर एक जो है ना एक डॉटेड लाइन है। जो डॉटेड लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये 2 को 4 को और 7 को मिला रही है, ये यानी कि ऑक्सीजन स्टेट जो मैगनीज की 7 है, 4 है और 2 है, ये एक लाइन में आएंगे डॉटेड लाइन में। तो और जो सॉलिड लाइन है ये पोटेंशियल के साथ हमने शो किया ऑक्सीडेशन स्टेट को पोटेंशियल के साथ रिलेट किया है, और बाकी जो डॉटेड लाइन है वो हमें ये बता रही है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट इस डॉटेड लाइन पर आ रही हैं, दीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैगनीज आर मोर स्टेबल, जो कि 4 है, 7 है और 2 है, ये मोर स्टेबल है, और बाकी जो थर्ड वन है या जो नेक्स्ट है 6 ये अनस्टेबल है, 0 को भी हम स्टेबल काउंट करते हैं। तो लोएस्ट स्पीशीज ऑन द डायग्राम आर मोस्ट स्टेबल, यानी कि जो ऑक्सीजन स्टेट है
पॉजिटिव टू ये मोस्ट स्टेबल है इन अगर मजीद स्टेबिलिटी के हवाले से देखें। और हाईएस्ट स्पीशीज ऑन डायग्राम आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजर है। फॉर एग्जांपल मैगनीज जो है पॉजिटिव सेवन इसकी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर का नाम देते हैं। दीज आर द सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैटिमर एंड फ्रॉस्ट डायग्राम। थैंक यू।